हेलो हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आज का ये वीडियो रिगार्डिंग वीकली हॉरोस्कोप। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैंने सोचा यू नो लेट्स डू सम क्लेंजिंग ऑफ माय स्पेस। एंड ऑल्सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेट मी जस्ट प्रे एंड होप कि यू नो सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से हट रही है। बाय द वे, दिस इज़ सेज, यू नो ये बहुत अच्छा माना जाता है फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी। मैं हमेशा हमेशा अपनी रीडिंग से पहले या कोई भी हीलिंग सेशन से पहले ज़रूर ये करती हूँ। एंड हमारे इंडियन सिस्टम में इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट जो कि मैं स्टार्ट बोल ही दिया तो मैं बोल दूँ आप, यू नो ये एक ऐसे लीव से बना होता है जो कि आपके यू नो सराउंडिंग में सारी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं। सो बड़ा अच्छा माना जाता है फॉर क्लेंजिंग, रिमूविंग नेगेटिविटी, रिलीजिंग स्ट्रेस, बहुत अच्छा है। इसके अलावा यू नो आपको ज़रूर, अगर ये नहीं तो आप अगरबत्ती ज़रूर अपने स्पेस में करें, आप धूप जला सकते हो। एंड मोर हाई पावर्स के लिए ये भी अच्छा है। सो वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। एंड इसी के साथ साथ यू नो मैं कहना चाहूँगी, अभी जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, दे नो क्रिस्टल्स के ऊपर मैं ब्लॉग्स लिख रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो अभी रिसेंटली ये यूरोप से इम्पोर्ट हुए हैं एंड दीज आर गॉर्जियस एमेथिस्ट, कितने सुंदर हैं। एंड सो मैंने अपडेट दे रही हूँ कि लिमिटेड स्टॉक में है ये। नीचे क्रिस्टल का मैं नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ग्राम्स के हिसाब से, आई मीन साइज़ के हिसाब से आपको सारी अपडेट आ जाएगी। जो भी स्मॉल बिग पीसेज आपको चाहिए आप ले सकते हो। एमेथिस्ट इज़ रियली गुड फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस, अगेन क्लेंजिंग, क्राउन चक्रा, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, गुड एनर्जी के लिए। सो यू नो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लो। ब्लॉग भी लिखा है, वीडियो भी बनाया है, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड भाई ये चीज़ है, जाओ ले लो, रखो, यूज़ करो एंड ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सो चलो, बाकी मेरे चैनल पर न्यू हो सो मोस्ट वेलकम। एंड मैं मंथली वीकली वीडियोज़ बनाती हूँ एंड ऑल्सो बीच में पिक अ कार्ड रीडिंग्स बनाते हैं। सो लॉट ऑफ वीडियोज कीप ऑन कमिंग, सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। एंड यस, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो चुकी है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीकली हॉरोस्कोप से, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। हेलो एरीज, चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का पहला पहला वीक, क्या एनर्जी दिख रही हैं। ओके एरीज, तो कहीं ना कहीं आपका सबसे पहला कार्ड आया है नो, कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ, पहली चीज़ तो पहले कार्ड में ही दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग्स लाता हुआ दिख रहा है, गुड लक आता हुआ दिख रहा है। टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यू नो सिचुएशन जो सडनली आपके काम में फेवर देगी, फॉर्चून आपके साथ में है, लक आपके साथ में। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बी कॉन्फिडेंट। एंड जो आपको इस वक्त पे दिख रहा है आप उस पर बिलीव मत करो, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो कि नो यस, मेरा दिल अगर ये चीज़ कह रहा है होगी तो वो कैसे होगी, कब होगी आपको नहीं पता, बट होगी, तो वो विश्वास ज़रूर रखें। आगे द नाइन ऑफ एयर के कार्ड्स है, वो जिनके कि समवेयर आपके थॉट्स ऐसे हैं, नो आप अपने आप से नो बुरा सोच रहे हो कि नो वॉट इफ़ ये होगा, वॉट इफ़ ये होगा, ऐसा नहीं हुआ तो, एंड आप एक्सपेक्ट वर्स्ट कर रहे हो एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड खुद को वो नेगेटिव थॉट्स दे दे के और लो फील करा रहे हो एंड खुद की रातों की नींद भी ख़राब कर रहे हो। सो नो यूज़ ऑफ दैट, इट्स बेटर कि आप रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रेस मत लो, जस्ट लेट इट गो। एंड बेस्ट माना जाएगा यू नो कहीं ना कहीं आप मैजिकल पावर्स पे, यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपने इंटेंशन पे वो ही रखो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, बस उतना ही सोचो, उतना ही करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, उसको लेट गो करो, ऊपर वाले पे छोड़ दो एंड टेक इट ईजी। आगे आपके लिए सजेशन आ रहे, दैट बी कॉन्फिडेंट एरीज इस वीक में, जस्ट हैव फेथ इन योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो कार्ड्स आपको कह रहे हैं देखो आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, बट आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहे हो एंड आप खुद को ये कह रहे हो कि नहीं 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 हो सकता है, नहीं होगा, शायद नहीं हुआ, तो इस तरीके के थॉट्स आपको आ रहे हैं।
वही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, भले आपको कॉन्फिडेंट रहने की एक्टिंग क्यों ना करनी पड़े। एंड कार्ड्स आपको कह रहे हैं अपने पंखों को और बढ़ा करके और फैलाओ, मेरे वैसे ही पंख ही लग रहे हैं आज। सो अपने हाथों को और फैलाओ, पंखों को और फैलाओ एंड थिंक पॉजिटिव। एंड इट्स टाइम टू फ्लाई एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, सो एरीज इसको लाइटली मत लेना एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। सीधा सीधा मेरे को कार्ड्स की एनर्जीज दिख रही है कि दे आर लाइक आपकी एंजल्स हैं, आपकी गाइड्स हैं, आपकी पावर्स हैं, आपको कह रही हैं भाई बहुत हो गया, अभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जो भी चेंजेस लाइफ में चाहते हो, अगर आपको लगता है भाई ये जॉब में डिजर्व नहीं करता, आई डिजर्व समथिंग बेटर, या मुझे बिजनेस में जाना है, कुछ भी नया करना सोचना है लाइफ में, जस्ट गो फॉर इट। कार्ड आपको कह रहे हैं जस्ट गो फॉर इट, बी कॉन्फिडेंट, बी इंटेलिजेंट, बी ग्रेसफुल एंड नाइस। बिलीव एंड ट्रस्ट। बताओ एरीज में और क्या बोलूँ। Before going to sleep tonight, say this affirmation. आज रात सोने से पहले या पूरे वीक ही कर लेना, कि आप जो भी भगवान को मानते हो कि मेरे आप दिल में आए, मेरे सोते वक्त मेरे सपनों में आए, मेरे दिल में आए एंड मुझे भरोसा दिलाएं कि आने वाला मेरा टाइम अच्छा है, पॉजिटिव है, मैं ट्रस्ट करता हूँ एंड मेरे को आप स्ट्रेंथ दे रहे हो, करेज दे रहे हो, हिम्मत दे रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हो। देखो सारे के सारे कार्ड्स तीन ही लाइन कह रहे हैं, हैव स्ट्रेंथ, हैव करेज, हैव कॉन्फिडेंस। सो सारी की सारी कार्ड्स की एनर्जीज मेरे को वही दिखी हैं भाई। सो लॉट ऑफ ग्रेट पावरफुल एनर्जीज। सो यस, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है एंड वहीं कहीं ना कहीं मैं बात करूँगी। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, सो करियर में मेरे को बिग शिफ्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ को लेकर भी मैं कहूँगी, अगर किसी ना किसी टाइप की अनबन चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, इस वीक में जितना हो सके आप अपनी तरफ से ग्रेसफुल रहें, ओपन रहें कम्युनिकेशन के लिए। बट अगर वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, सो अपने आप को स्टेबल रखो, एक स्पेस बना कर रखें एंड थोड़ा वक्त दे एक दूसरे को। बट आप अपने आप को डेस्परेट मत होने दीजिए, ग्रेस की तरह वेट कीजिए, ग्रेसफुल की तरह, शांति से, पावर से, दैट एक मैच्योर तरीके से हम बात करेंगे, हम किडिश तरीके से एब्यूसिव वर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुल से बात करके कोई मतलब नहीं, वी गोना कीप दैट ग्रेस विद अस। तो वो वाली वाइब एनर्जी आपको कार्ड सजेस्ट करें इन योर लव लाइफ ऑल्सो। So yes, this was the messages for you, Aries, agar aap se connect and resonate ho paye, do let me know in the comment box below. Hello Taurus, so dekh lete hain aapke liye cards kya messages lekar aa rahe hain. So jo sabse pehla card hai aapke liye, wo aaya the Emperor ke cards hain, jo indicate kar raha hai ye week mein kahin na kahin aap apni will power, intentions ko bahut strong rakhein, apne hard work pe bharosa rakhein, ऑर्गेनाइज रहें, डिटरमाइंड रहें एंड डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के साथ में चले। तो बड़ा ज़्यादा काम है ये वीक में टॉरस, एंड लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़े, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करें, चाहे वो आपका पर्सनल वर्क है, आपके जॉब में है, इवन इफ इट्स योर लव लाइफ ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं अपनी रूटीन को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना होने दें किसी भी वजह से, try to be focused and मुझे कहीं ना कहीं love life की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉरस थोड़े से stubborn हो सकते हैं कुछ बातों को लेकर, उन्हें लग सकता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। सो मैं कहूँगी इन योर लव लाइफ रिलेशनशिप्स थोड़ा सा आप मोल्ड हो सकते हैं एज पर पर्सन और सिचुएशन, बट इन योर वर्क लाइफ अपना काम के जोन में बिल्कुल भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट बी स्ट्रॉन्ग, जो भी डिसीजन ले रहे हो कॉन्फिडेंस में रहो एंड बी इन अ गुड वाइब। कहीं ना कहीं आपको देखो आगे फिर से कार्ड्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं तो किंग ऑफ फायर के कार्ड्स है, आपके करियर में, एजुकेशन में आप एक आ जा रहा है, फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, फिर कह रहे हैं लीडर वाली क्वालिटी रखो, अच्छे से कम्युनिकेशन करो। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही पावरफुल कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा विद लॉन्ग लॉन्ग विंग्स के साथ में एंड इट्स अ रेड कलर कार्ड। सो करियर में मेरे को दिख रहा है आपकी लाइफ में एक, अगर आप अपना, मुझे पता है मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी किसी चीज़ के लिए बड़े टाइम से मेहनत कर रहे हो, बट कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस और इंटेंशन से किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क मेहनत करते हो तो आपको ज़रूर मिलती है, टाइम लग सकता है बट अभी टाइम नहीं है गिव अप करने का, कीप ऑन गोइंग, कीप डूइंग दैट। बाकी ये वीक में मेरे को आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, आपके काम में आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे, शील्ड भी रहोगे, अच्छी आपको गाइडेंस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी एंड आपका चाहे एजुकेशन है, पढ़ाई है, एग्जाम है, एनीथिंग विल गो वेल। साथ ही साथ आगे अगर आप किसी भी टाइप के
आपको लगता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वहाँ पर भी कार्ड्स आपको गए, दिस इज़ हाई टाइम आप समझे कि कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में एक मास्क पहनकर घूम रहा है और कौन सा इंसान ऑनेस्ट है। ये स्पेशली मैं रिलेशनशिप्स में नहीं कहूँगी, इनफैक्ट मैं कहूँगी आपके चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके वर्क लाइफ में, आपके जॉब एरिया में, जो इंसान आपको लगता है नो ये सामने कुछ और है, अंदर कुछ और है, इसके मुझे इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं, सो मे बी इट्स टाइम कि आप उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं यस, एंड एक और कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं दैट बिल्कुल भी आप कहीं ना कहीं दूसरों के कहने की वजह से अपने आप को डाउन फील ना करें, अपने आप को जज ना करें कि कोई सिचुएशन अगर सही से ठीक नहीं चल रही भाई मेरी गलती है, वो बात नहीं करें तो भाई मेरी गलती है, तो उतना अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, वो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। यहाँ पे ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, इसका मतलब ये है कि नो अगर आप अपनी लाइफ में जॉब चेंज, बिजनेस चेंज, कुछ भी चेंजेस देखना चाहते हो एंड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी वेट करना चाहिए, अभी नहीं, मे बी आई एम नॉट, अभी तक मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, या थोड़ा रुक के अपने आप को नो प्रोकास्टिनेट, अंडर एस्टिमेट करो, सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं भाई बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो, चीज़ें सही हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे एक और चीज़ इंडिकेटेड है, फॉर सम मेरे को ट्रैवल के भी चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ टॉरस इस वीक में ट्रैवल भी कर सकते हैं, अगर ऐसे योग बनते हैं, अगर आपका जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो वो अच्छा और पॉजिटिव रहेगा, जा सकते हैं आगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो कहीं ना कहीं मेरे को कार्ड्स की ज़्यादा एनर्जीज, प्रैक्टिकल एंगल ज़्यादा दिख रहा है ये वीक में, आप प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे, मेरे को बहुत इमोशंस वाले कार्ड्स नहीं दिखे हैं, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी आपकी नो ऑन वर्क, ऑन योर गोल्स, ऑन योर डेडिकेशन, वो वाली वाइब ज़्यादा दिख रही है। बाकी आप बताइएगा इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं टॉरस, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। हेलो जेमिनीज, सो हम सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये वीक एंड इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। सो नो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, विच इंडिकेट्स यू नो कहीं ना कहीं मुझे ये वीक में आपका अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं विद योर लव्ड वंस, या आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई गेट टुगेदर पार्टी होने के आसार एंड चांसेस बने हुए हैं, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी या आपका जैसे भी जो भी काम रूटीन चल रही है वो मुझे अच्छी चलती हुई दिख रही है। बट साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं कोई एक बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ जैसे कि वो अब्रॉड जाना चाहते हैं या कोई बहुत टाइम से कुछ एक बिग चेंजेस का वेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई ये लंबा प्रोजेक्ट है, तो उस काम के होने के लिए मेरे को उसमें और पेशेंस रखने के लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि नो इस वक्त में आप अपने साथ काफ़ी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ रखें, इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा बट होगी ज़रूर। सो वो प्रोसेस थोड़ा सा मेरे को स्लो होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे भी आपके कुछ बिग प्रोजेक्ट, बिग चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वहाँ पर। आगे अगर मैं बात कर लूँ सो यू नो यहाँ पे आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है इस वीक में जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनली लाइफ में स्टक हो, या आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं आपको अटकन महसूस हो रही है, दिस समवेयर आई फील ऑनेस्टली अगर मैं कहूँगी ना तो ये शायद सिचुएशन ऐसी है जो कहीं ना कहीं आप खुद को कुछ नया करने के लिए रोक भी रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो हैव फेथ, हैव पेशेंस, आप बेबी स्टेप ले लेकर आगे बढ़ते जाओ, अगर कोई काम नहीं भी हो रहा है तो यू नो अपने आप को मेंटली ओपन अप कर दो कि यू नो ये मत सोचो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना, आपने वहाँ बंद कर दिया, ये चीज़ कब होगी पता नहीं, वो भी दरवाजे आपने बंद कर दिए, तो कौन सी चीज़ कब कैसे होगी वो आपका काम नहीं है, आप सिर्फ एक विश करो, उस पर मेहनत करो, हार्डवर्क करो, चलते चलो वो चीज़ अपने आप आपके लिए स्टेप बाय स्टेप ओपन अप होगी। सो अपने आप को ना एक ऐसे केज में बंद मत कर लो कि ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सुनो और आप उलझते चले जाओगे अपनी प्रॉब्लम्स में, एक एक बाय स्टेप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा जेमिनीज। वेदर इट्स एनी टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या कोई फाइनेंसिस का स्ट्रेस है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस आपके मन दिमाग में चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर है, करियर को लेकर है, इन जनरल है, कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ जेमिनीज के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये वीक, जैसे कि मैंने कहा, एक गुड टाइम, फैमिली टाइम भी इंडिकेट कर रहा है इस वीक में। लेट गो ऑफ फेयर नाउ, कोई ना कोई चीज़ का तनाव, स्ट्रेस आपके मन में बना हुआ है जेमिनीज, जिस वजह से नो आपको वो चीज़ ऐसी लग रही है
कोई ना कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में करने के लिए खुद ही उसको रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस और फियर और वरीज. तो वही आपको कह रहे हैं जस्ट सरेंडर एंड गो अहेड, यू नो. तो काफ़ी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनीज आपके लिए. मैं कहूँगी एब्सोल्युटली हैव फेथ एंड गो अहेड एंड यू नो करेज पूरी तरीके से आप बनाए रखें, स्ट्रेंथ अपनी अंदर की बनाए रखें इस वीक में जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, पजल्स हैं. एंड बिल्कुल भी मैं कहूँगी वो कहते हैं ना कि हम भेड़ चाल के हिसाब से बिल्कुल भी ना चलें कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लूँ. नो, नॉट एट ऑल. आपका पाथ ज़िंदगी का अगर अलग है तो दूसरे आपके ऊपर उस वक्त में उंगलियाँ उठा सकते हैं. बट कहते हैं जब आपका टाइम आएगा सो एवरीबडी विल सेलिब्रेट यू एज वेल. सो इस तरीके की आपके लिए कुछ एडवाइसेज आ रही है इन दिस वीक में. सो नो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए विद दिस एनर्जी. इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच. हेलो कैंसर्स, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक. ओके, सो कहीं ना कहीं जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है दैट इज द 10 of Earth के कार्ड है. दिस समवेयर इंडिकेट्स दैट यू नो कहीं ना कहीं आपको इस वीक में ये फीलिंग रह सकती है दैट यू नो समवे और दी अदर आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, चीज़ें आपकी सही तरीके से चल रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव फीलिंग बनी रहेगी. साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर को बनाए रखें. हैव फेथ इन योर सेल्फ कि नो चीज़ें थ्रू टाइम बेहतर हो जाएंगी. एंड अगर आपको लगता है किसी को फॉरगिव कर देना चाहिए, किसी से कोई अनबन हो गई है, प्रॉब्लम हो गई, तो उन सब चीज़ों को भुला कर, माफ़ करके, कॉम्प्रोमाइज़ कर चीज़ों को हील एंड इम्प्रूव करने का सजेशन दिया जा रहा है कैंसर्स फॉर दिस वीक में. एंड कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है कि अगर आपको लग रहा हो आपके लाइफ में चीज़ें भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है कि आप देख नहीं सकते बट आपके बैक एंड में हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द देखने मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी. एंड आपने अभी तक कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के बहुत बंद दरवाजे, बहुत डिफ़िकल्ट फेजेस को भी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी विल पावर से उन दरवाज़ों को खोला भी है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने पाया भी है. जहाँ पर चीज़ें इम्पॉसिबल थी कैंसर्स, वहाँ पर भी आपने अचीव किया है. सो वही सेम एनर्जी से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है. फॉर सम कैंसर्स कहीं ना कहीं अपने पिछले बीते दिनों को भी याद कर सकते हैं, किसी पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी वो मेमोरीज है जहाँ पे वो अपने पास की मेमोरीज को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं. एंड चाहे वो उनका चाइल्डहुड हो या किसी इंसान को याद करना हो, तो कहीं ना कहीं ना अपने पास्ट के बारे में सोच कर याद कर रहे हैं. सो दिस इज़ समवेयर आई सी अ पॉजिटिव टाइप ऑफ मिसिंग समवन. एक अच्छे तरीके से ही आप याद कर रहे हो एंड उसके लिए ग्रेटफुल हूँ एंड इट्स अ गुड एनर्जी कैंसर्स. आगे मैं पहले देख रही थी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. सो देखो वैसे तो नॉर्मली मेरे को न्यूट्रल रीडिंग ही दिख रही है आपके लिए वीक में इन टर्म्स ऑफ करियर कह लो, इमोशंस कह लो, ठीक है, स्टेबल है सब कुछ. बहुत कुछ नेगेटिव रूप में नहीं दिख रहा है. अ फेवरेबल आउटकम, वही कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो जो भी चीज़ का आप वेट करो कि पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए फेवर में होगी कि नहीं, क्या होगा आगे, चाहे रिलेशनशिप है चाहे आपका करियर है, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आउटकम आएगा वो आपके फेवर में होगा एंड आपके अच्छे के लिए होगा. सो हैव फेथ, चीज़ें आपके लिए अच्छे तरीके से बैलेंस होकर यूनिवर्स आपको देंगे. आपसे कुछ भी नो अनफेयर डिसीजन नहीं होगा. जो भी आपके हाइएस्ट गुड के लिए अच्छा है वही डिसीजन लिया जाएगा आपके लिए. इस तरीके के कुछ सजेशंस आपके लिए आ रहे हैं. और एक मैसेज देख लेते हो आपके लिए. यस, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि शील्ड योर सेल्फ, यू नो अपने आप को आप प्रोटेक्टेड भी रखो, स्ट्रॉन्ग भी रखो इमोशनली एंड मेंटली. किसी और की नेगेटिविटी, ड्रामा, या अगर आपको लगता है कि आपको अगेन एंड अगेन यू नो नेगेटिव वाइब्स देते हैं, तो इन लोगों से आप इस वीक में जितना हो सके कम बोले, कम बात करें, थोड़ा अवॉइड करें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा. दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू नो कैंसर्स. आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाएँ. इफ सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच.